पिछले 5 सालों के पुरानी कांग्रेस पार्टी ने एक भी यतन नहीं किया कि पंजाब का GST का मालिया किमें बताया जाए, खजाना किमें भराया जाए। और 5 साल बाद 2022 के जदों पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री बने, तो उस तो बाद लगातार पहला यह फैसला होया कि पंजाब का खजाना किमें भरना गा, और उस दे लई लगातार यतन होए। GST की कलैक्शन के वड्डा वाधा दर्ज किया गया, लगभग 23% का वड्डा वाधा जो GST की कलैक्शन होया। और उस तो बाद असी ये जिहड़ा हैगा एक यूनिट स्थापित किया, टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट, जिहड़े लोग बेईमानी करते टैक्स भरन दे विच, जिहड़े झूठे फर्जी जाली बिल बना के टैक्स की चोरी करते, उन्हां ते सिकंजा कसण दा जिहड़ा हैगा असी यतन किया और फैसला किया कि टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट की स्थापना पंजाब हुई हैगी। सो मैं समझदा इस फैसले के नाल पंजाब के जिहड़े लोग पंजाब टैक्स चोरी करके बड़े बड़े नेतावां दा घर भरदे सीगे, जिहड़ा पंजाब दे खजाने दा पैसा जाना चाहीदा सीगा, वो पोलीटिशियनां दे घरां दा खजाना भरिया जांदा सीगा, जिहड़ियां पार्टियां हुण तक राज करदियां रहियां उन्हां दे लीडरां दा खजाना भरिया जांदा सीगा, पंजाब दा खजाना लुट्टिया जांदा सीगा। सो मैं समझदा उहनां दे खिलाफ वड्डी कारवाई होगी और टैक्स चोरी करने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाऊगा, और जिहड़े ईमानदार होणगे, जिहड़े ईमानदार टैक्स दे रहे ने साडे पंजाब दे करदाता, उन्हों का पंजाब सरकार मान सम्मान करेगी और टैक्स इंटैलीजेंट यूनिट के राही जाली फर्जी बिल जिहड़े हैगे ने उन्होंने रोकया जाऊगा, और बड़े अच्छे तरीके दे नाल एक मैकनिज़म बनाया जाऊगा, एक ऐसा ढांचा बनाया जाऊगा ताकि पंजाब टैक्स की चोरी जिहड़ी आ वो खत्म हो सके।